अ बिग हेलो टू माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, दिल से दिल की बातें में हम आपके लिए लाते रहते हैं नए नए टॉपिक्स। बट अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपसे बात करें, तो आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आप सभी के प्यार भरे कॉमेंट्स का, बहुत अच्छा लगता है उन्हें पढ़कर। एनीवेज, अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। क्या आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं? वेल, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में आने वाले लोगों को ना तीन कैटेगरीज में बांट लेते हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं। सेकेंड कैटेगरी, वो लोग जो इस तरह की गॉसिप का शिकार होते हैं। और थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब आप सोचिए, आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के लोगों की। वेल, मेरी एक जानने वाली हैं जो कि 10 मिनट भी नहीं रह सकती दूसरों की बुराई किए बगैर। हर समय दूसरों के लिए कुछ ना कुछ बुरा बोलते रहना और अपनी फैमिली की तारीफ करते रहना। तो एक बार ना मैंने इरिटेट होकर बोल ही दिया कि मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता और हम कौन होते हैं दूसरों को जज करने वाले। तो इस पर जानते हैं उन्होंने क्या कहा। बड़े भोलेपन से बोले कि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, और हम उन्हें चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन मैं उनके बारे में सबको इसलिए बताती रहती हूँ कि बाकी लोग उनकी तरह ना बने। भाई, उनकी ये बात सुनकर समझ आ गया मुझे कि कितना पथेटिक परसेप्शन है उनका। वो सोचती है कि सिर्फ वही सही है और उन्हें पूरा अधिकार है दूसरों के बारे में कुछ भी बोलने का। मे बी उनकी जैसी सोच वाले और भी लोग होंगे दुनिया में। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो हर समय दूसरों की बुराई करता रहता है ना, तो एक बात तो पक्की है कि वो इंसान आपके बारे में भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कुछ ना कुछ नेगेटिव जरूर बोलेगा। तो इसलिए जरा बच के रहें। ये जो गॉसिप होती है ना, ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। गॉसिप अपने आप में बुरी चीज नहीं है। ये एक्चुअली एक तरह का कम्युनिकेशन फॉर्म है लोगों को एक दूसरे के साथ बांधने का। साथ बैठेंगे लोग, कुछ अपनी कुछ औरों की बात तो करेंगे ही ना, और बातें अच्छी भी हो सकती है। लेकिन ये जो नेगेटिव गॉसिप होती है ना, वो गलत भावना से भरी होती है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, इनसिक्योरिटी की वजह से। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो सोचते हैं कि दूसरों की बुराई करके वो उनके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे नजर आएंगे और इस तरह से उनकी कमियां भी नजर नहीं आएंगी। कई बार ऐसे लोग जो होते हैं वो लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं और उन्हें आउटसाइड वैलिडेशन की जरूरत होती है, और इसके लिए चाहे उन्हें दूसरे इंसान को नीचे क्यों ना गिराना पड़े। अपनी लुक्स, अचीवमेंट्स, अपना पोजिशन उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और किसी और के पास में कुछ ऐसा है जो उनके पास में नहीं है तो उसे डीवैल्यू करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अपनी जैसी सोच वाले लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जिससे कि उनके साथ में मिलकर दूसरे इंसान को नीचा दिखा सके। ऑल नेगेटिव, दैट्स इट। चलो बाबा, बहुत हो गई इनकी बातें, अब इस कैटेगरी को रखते हैं साइड में और दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, बेचारे विक्टिम्स जिनके बारे में पीठ पीछे बुराई की जाती है। ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं जिनके कि वो दोषी भी नहीं होते। कई बार तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि उनकी बातें हो रही हैं, लेकिन जब पता चलता है तो तकलीफ भी होती है। बट अगर किसी चीज में आपकी गलती नहीं है तो परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है, है ना। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपके संबंध बाकी सभी लोगों के साथ में अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो कोई आपके बारे में कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन अगर आपका व्यवहार ड्राई है, आप रूड हैं लोगों के साथ में, तो आपकी बुराई हो सकती है दोस्त। तो पहली बात तो मिलनसार बने, सबके साथ प्यार से मिले। दूसरी बात, अगर आपको किसी पर शक है कि कोई आपके बारे में झूठी झूठी बातें कर रहा है, तो उस इंसान से जुड़े किसी ऐसे शख्स जो उसका दोस्त ना हो बट उसके व्यवहार, उसके कैरेक्टर के बारे में जानता हो, उससे सलाह ले। लेकिन अगर बात बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, तो डायरेक्टली उस इंसान से बात करें, मैसेज करें, कॉल करें, किसी भी तरह से उसे कॉन्टैक्ट करें। क्या है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो कई बार छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं।
बहुत सी स्ट्रॉन्ग और सालों की रिलेशनशिप कुछ मनगढ़ंत झूठी गलत बातों की वजह से खत्म हो सकती है। लेकिन अगर वो इंसान मिलने पर भी अपनी गलती नहीं मानता है तो वो जो भी अफवाहें झूठी बातें आपके अगेंस्ट कर रहा है ना, उन्हें लोगों के सामने रखे जिससे कि आपकी सिचुएशन सही रहे, आपकी इमेज खराब ना हो, आपके रिश्ते बने रहे। और अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, वो लोग जो बिना सोचे समझे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। हर कहानी के तीन पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच क्या है। क्या होता है कि जब कोई बात या घटना किसी इंसान के द्वारा आप तक पहुंचती है ना, तो वो कई रूप में बदल चुकी होती है, क्योंकि वो इंसान जब कोई बात आपको बताता है तो उसमें उसकी अपनी सोच, धारणा, अपनी इंटेंशन भी इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से जो सच होता है ना, वो बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है। बात कुछ की कुछ हो चुकी होती है, सच्चाई का पूरा रंग रूप ही बदल चुका। तो अगर आप लाइफ में कोई ऐसी बात सुने जो आपको हर्ट करे ना, तो पहले उसका सच जानने की कोशिश करें, उसके बाद लाइफ में कुछ डिसीजन लें। और फालतू के लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद करें, वो सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को ही कमजोर करते हैं। नजरअंदाज करें ऐसे लोगों को जो हमेशा पीठ पीछे सबकी बुराई करते रहते हैं। वो वही रहने लायक है, पीछे, आपके पीछे, सबके पीछे, सबसे पीछे। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, गुनगुनाते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सबसे बड़ी बात, अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। लव यू ऑल।